अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। ऐसा ज़बरदस्त मुजरिब तरीन अमल है, कोई भी इंसान ये कर लेता तो उसका नसीब बदल जाता है। ये मैं दूसरी मर्तबा करने लगी थी और मैंने सोचा है इस अमल को आप तक भी शेयर करूं। अगर कोई इंसान की ज़िंदगी बेपनाह परेशानियों में है, तकलीफ़ों में है, टेंशनों में है, अगर आप समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी परेशानियों से भर चुकी है, तकलीफ़ों से भर चुकी है, आपकी कोई हाजत पूरी नहीं हो रही है, या फिर आप ये महसूस करते हैं कोई काम आप करते हैं उस काम में रुकावटें, परेशानियाँ, तकलीफ़ों का आपको सामना करना पड़ता है, इतना मुजरिब अमल है कि जब आप इसको करेंगे आप इसका असर भी होता अपनी आंखों से देखेंगे। ये इंसान की नसीब मुकद्दर बदला देने वाला अमल है। जब मैंने इसको पहली दफ़ा किया था, मुझे किसी ने बताया था, किसी मकसद के लिए मैंने किया था, वो मेरा मकसद हल हो गया था अल्लाह के करम से। और ये आज मैं दूसरी मरतबा करने लगी थी और मैंने सोचा है कि इसकी वीडियो बना के भी आप तक शेयर कर दूँ, ताकि जो इंसान की ज़िंदगी परेशानियों में, तकलीफ़ों में है, या ज़िंदगी में रुकावटें हैं, मुसीबतें हैं, तो आप इस अमल को लाजमी करें। इंशाल्लाह ताला आपको असर भी होता अपनी आंखों से दिखाई देगा। और ये आपने 7 किस्म के अनाज लेने हैं, ये मैंने बाज़ार से लेके आई थी, 300-400 में मुझे इजीली मिल गया था ये 7 अनाज। और इसके बाद जो आपने इन 7 अनाज को लेकिन सबको मिक्स कर लेना है, और इसके बाद आपने छत पे परिंदों को ये इसका सदका डालना है। ये किसी कोई बर्तन ले लें, उसमें बर्तन में आपने इस अनाज को डालना है, उतनी सी आपने मिकदार में डालें जो परिंदे ईजिली खा जाएँ। तो ये मैंने इसको छत पे रख दिया था ताकि ये परिंदे आएँ और इसको खा लें, ये सदका जारी है। और इसके बाद जो वजीफ़ा है, जो अमल है वो करना है, वो आपने रोज़ाना 7,000 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह, आपने उठते बैठते चलते फिरते आपने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। इसका कोई टाइम मुकर्रर नहीं है, 7,000 मरतबा आपने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है, अव्वल और आखिर एक एक मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, और 7 दिन तक आपने लगातार ये अमल करना है। रोज़ाना 7,000 मरतबा आपने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। इसके बाद आपने रोकर गिड़गिड़ा कर अपने मकसद के लिए अल्लाह ताला से दुआ करनी है और अल्लाह ताला को राज़ी करना है। 7 दिन लगातार आपने इस अमल को करना है। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी इसको ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतनी देर के लिए खुदा हाफिज़।